आज तारीख है 11 सितंबर और थोड़ा सा इतिहास में आज पीछे चलते हैं, और जिस इतिहास में पीछे जाएंगे वो भारत का इतिहास नहीं है, वो अमेरिका का इतिहास है। 11 सितंबर अमेरिका की इतिहास की ना भूली जा सकने वाली तारीख है। इसी तारीख को अमेरिका पर हमला हुआ था, एक नहीं दो दो हमले, और दोनों हमलों ने अमेरिका को सन्न कर दिया। एक हिंदुस्तान से हुआ था और दूसरा अफगानिस्तान से। पहला हमला समुद्र के रास्ते एक सन्यासी ने किया था, अजीब से वेशभूषा में 7 समंदर तक की यात्रा कर नरेंद्र पहुंच गए थे एक ऐसे धर्म संसद को संबोधित करने शिकागो, जहां वह अपेक्षित ही नहीं थे। दूसरा हमला ठीक 108 वर्ष के बाद 9/11 का ही दिन था। हमलावर इस बार मध्य पूर्व से आया था, अमेरिका के विमान को हथियाया, उसी से हथियार बनाकर हमला किया। और आज तुलनात्मक चर्चा करेंगे इन दोनों हमलों पर, जिनकी प्रतिध्वनियां आज तक भी सुनाई दे रही हैं। डिस्क्लेमर यहां पर ये कि जो भी बात आगे होगी उसमें निजी राय के लिए कोई जगह नहीं है, सारी बातें तथ्यों पर ही आधारित हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। 11 सितंबर 1893 का दिन, मुखमंडल पर तेज और शरीर पर बेहद साधारण वस्त्र या चादर ओढ़े वह यति पहुंचा भोग को ही तपस्या समझने वालों के बीच। त्याग से भरे उसके संबोधन मेरे प्यारे बहनों और भाइयों को उच्चारित करते ही विवेक के आनंद से आप्लावित हो गया था पश्चिम। सामने से उठी करतल ध्वनियों ने सदा के लिए इतिहास लिख दिया था। अगले दिन न्यूयॉर्क के एक अखबार ने लिखा था, जिस सभ्यता के पास स्वामी विवेकानंद जैसे सन्यासी हो वहां अपना धर्म प्रचारक भेजने की मूर्खता पश्चिम ही कर सकता है। दूसरी तरफ 100 साल बाद जहां दुनिया आगे बढ़ चुकी थी, अमेरिका बदल चुका था, दुनिया पुराने इतिहास के ऊपर नया वर्तमान और भविष्य लिख रही थी, एक आताताई फिर बढ़ा अमेरिका की तरफ और 2977 जिंदगियों को और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंगों में शुमार वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ले डूबा। अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन मुस्लिम देशों में छिड़े संघर्ष के लिए अमेरिका को सजा देना चाहता था। कुछ अफगानिस्तानी अपनी संस्कृति का पक्ष रखना चाहते थे और अपना पक्ष रखा, अमेरिका को सजा दी। सजा ये कि एक झटके में कई हजार आम नागरिकों की हत्या कर दी। अब सोचिए, दोनों ने करारा हमला किया अमेरिका पर, दोनों ने सुर्खियां बटोरी, दोनों ने लोगों की आंखों में आंसू लाए, दोनों ने अमेरिका की जमीन पर उसे हराया, लेकिन सोचिए कौन जीता। एक जिसने लोगों को नई जिंदगियां दी, एक जिसने 2 साल के बच्चों से लेकर 85 साल के बुजुर्ग की जान ली, एक जिसने अमेरिका के सबसे सुंदर भवन को गिरा दिया और अमेरिका के सीने में कभी ना भरने वाले जख्म अता किए, जिसको देखकर पूरी दुनिया चिल्लाई, ये आतंकी है, ये मनुष्यता के लिए खतरा है, ये मानवता के शत्रु है, इन्हें मारो। दूसरा जिसने थोड़ा देर व्याख्यान दिया, कुछ देर के व्याख्यान के बाद वहां आए दुनिया की हर सभ्यता के प्रतिनिधियों ने एक स्वर में स्वीकार किया कि भारत पुण्य भूमि है, ज्ञान भूमि है। सबने शीश झुकाकर सम्मान के साथ कहा कि सनातन सदैव विश्व का आध्यात्मिक मार्गदर्शन करता रहेगा। इसके बाद क्या हुआ दोनों का? सन्यासी को दुनिया ने अपने अपने यहां बुलाया, उससे राय मशवरे लिए जाने लगे कि कैसे मानवता को और महान बनाया जाए, कैसे विमर्शता को खत्म किया जाए, कैसे वो और उनके देश के रहने वाले लोग तमाम खराब आदतों से मुक्त हो, कैसे वो भी अपने आप को सनातन जैसा सिद्ध और महान बनाए। सनातन वैरागी का यश आज 125 साल बाद भी आकाश तलक को सुवासित कर रहा है। वो आज भी दुनिया समाज के लिए प्रेरणा है। आतंकवादी जिसको पूरी दुनिया ने दुत्कारा, अपनी सीमाओं में आने पर प्रतिबंध लगाए, अपने अखबारों पत्रों किताबों में लोगों ने लिखना शुरू किया कि ये आदमी बुरा है, इसके नाम से भी नफरत करो, जिसको अमेरिकी फौज की बंदूकें ढूंढने लगी और एक रात उसको ढूंढ निकाला और गोलियों से उसका जिस्म भर दिया, ये शैतान दशक भर में ही अपने शव के लिए 2 गज जमीन का मुहताज हो गया। 11 सितंबर ये याद करने का दिन है कि आपको स्वामी विवेकानंद चुनना है या ओसामा बिन लादेन। दुनिया एक बार फिर उसी दोराहे पर है और वो दोराहा फिर से मध्य पूर्व अफगानिस्तान ही है। फिर से वही आतंकवादी हैं, फिर से वही अमेरिका है, फिर से वही आम लोग हैं
जो सत्ता के संघर्ष में हर बार पीछे जाते हैं, फिर से जरूरत है उस फकीर की। नदारद है तो वो फकीर, वो साधारण सा साधारण आदमी, लेकिन आज भी है सनातन। सनातन की प्रेरणा स्वामी विवेकानंद जाने के लिए नहीं आते, वो अभी भी हैं आपके आसपास। नजरें बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। दुनिया को आज उसी की जरूरत है। ये बंदूकें, ये धर्म प्रचार के नाम पर फूटते बम, मरते निरीह लोग, इन सब पर लगाम लगनी चाहिए। अब वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे लिए यह स्टोरी अनुराग मिश्रा ने लिखा था। अंत में मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और कैमरे के पीछे पीयूष चौरसिया खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।